राम राम भैयारो, बंसल न्यूज में आप सभी जनों को स्वागत है और हम हैं आपके संग प्रीता उपाध्याय। आप देख रहे हो हमाओ बुंदेलखंड। तो चलो शुरू करते हैं खबरों को बुंदेली सिलसिला। बुंदेली खबरों में सबसे पहले बात करत हैं बीना की। इतने दो दो ओवर ब्रिज को निर्माण करो जा रहो, मनो निर्माण कार्यों में हो रही लेट लतीफी और ढुलमुल रवैया से आम जन को भारी परेशानी हो रही है। रोडन पे काम पसरो पड़ो है तो लोगन को इतने से निकलवे में समस्या होत है। कलेक्टर दीपक आर्य और विधायक महेश राय ने अधूरे बने ओवर ब्रिजों को निरीक्षण करो। पहले नई बस्ती में बन रहे ओवर ब्रिज को निरीक्षण करो, फिर गांधी तिराहे पे बन रहे ओवर ब्रिज को निरीक्षण करो। जोन भी कंपनियां इन ओवर ब्रिजों को बना रही हैं, उन पर विधायक महेश राय ने कड़ी नाराजगी जतात भय कही है कि अगर टाइम से जो काम पूरा नहीं करो तो उन पर कार्रवाई करी जाए। आज लगभग 6.5 वर्ष हो गए हैं और ये ओवर ब्रिज बीना के दोनों, इनके काम की गति ऐसी चलती है कि 2-3 लोग लगे रहते हैं काम करने के लिए। यहाँ की जनता परेशान है, आवागमन में बहुत दिक्कत होती है। इसको लेकर पिछले दिनों मैंने कलेक्टर से भी शिकायत की थी और सीएम साहब से भी की थी। कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्दी इस कामों को में तेज़ी लाएंगे और कंपनी को भी पनिशमेंट के तौर पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, दो ब्रिजेज यहाँ पर हैं, दो फ्लाईओवर्स हैं जो कि शहर के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उनका कार्य काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ है या गति बहुत धीमी है। उन्हीं के संबंध में जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए माननीय विधायक जी से चर्चा हुई थी, तो विधायक जी ने और मैंने साथ एक संघ में दौरा किया है और जो समस्याएं हैं वो समझी हैं। इन समस्याओं को त्वरित निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि एजेंसी को ज़मीन दी जा सके और एजेंसी को भी इस बात के लिए पाबंद किया जाएगा कि वो समय सीमा में रहते अपना कार्य पूर्ण करें। दमोह के शराब कारोबारियों शंकर राय और कमल राय के ठिकानों पर आयकर विभाग को छापा पड़ो है। राय परिवार के ठिकानों पर लगभग 24 घंटा से जब कार्रवाई चल रही हैगी। पुलिस ने राय परिवार के सभी ठिकानों को सील कर दो है। बताओ जा रहा है कि जब पूरी कार्रवाई में बड़े खुलासे हो सकते हैं। अधिकारियों ने नोट गिनवे की मशीनें बुलाई हैं। संभावना हैगी कि बड़ी मात्रा में नोटों की गड्डियां अधिकारियों के हाथ लगी हैं। परिवार को कोनो भी आदमी अधिकारियों को सहयोग नहीं कर रहा है, जिसके बाद आयकर विभाग के अधिकारियों ने पुलिस से सहयोग लाओ है। ज्वाइंट कमिश्नर मुनमुन शर्मा की अगुवाई में जब पूरी कार्रवाई करी जा रही है। आपको बता दें कि शंकर राय को परिवार बड़े कारोबारी हैं जजिला में। शराब के ठेका के अलावा इनकी होटलें, पेट्रोल पंप, बस ट्रांसपोर्ट के सुई धंधे चलत हैंगे। ये आज सवेरे से हमने कार्रवाई की है, अभी चल ही रही है, जब कंक्लूड होगी। ये पूरी प्रिमाइसिस जो है दमों में हो रही है, ये तो अब आपको पता ही है और कितने लोग इन्वॉल्व हैं और क्या है ये भी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो अधिकृत जानकार पर्सन ही दे सकता है। प्रोसीडिंग चल ही रही है, अभी तक थमी नहीं है, तो जब ये थम जाएगी तब आपको जो भी अधिकृत पर्सन रहेगा वो आपको ये खबर दे सकता है। कितनी कार? पन्ना के मकरी कोठार गांव में पत्थरों की अवैध खुदाई करवे की शिकायत मिल रही है। इतने की महिला सरपंच, पूर्व सचिव और इंजीनियर पे मजदूरों को शोषण करवे के को आरोप लगो है। मजदूरों से दिन भर इतने पत्थर खुदवाए जात हैं और मात्र 300 रुपया मजदूरी दी जात है। बताओ तो जो भी जा रहो है कि एक आदिवासी की जमीन पे जो अवैध खनन चल रहो है। जब पूरे मामले में कलेक्टर संजय मिश्रा ने आरोपियों पे कार्रवाई करे जावे की मांग करी। पंचायत है और हम लोग काम करते हैं पत्थर का, तो हमको मजदूरी नहीं पड़ती है। 300 रुपए ट्राली मिलती है मजदूरी, ट्राली मतलब 300 की ट्राली। देखिए, बिना शासन की अनुमति से इस तरीके का कोई उत्खनन कार्य नहीं हो सकता है। आपने संज्ञान में लाया है, माइनिंग डिपार्टमेंट की टीम आज या कल में जाकर वहाँ कार्रवाई करेगी। जो भी अवैध उत्खनन करता उनके विरुद्ध प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा और जो उत्खनित माल है उसको भी जब्त किया जाएगा और उनके विरुद्ध अर्थदंड भी लगाया जाएगा। सागर में कोरोना संक्रमण ने जोर पकड़ लिया है। जिले में 17,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज हैंगे और जो आंकड़ों दिन ब दिन बढ़त जा रहा है। एक दिना में कोरोना के 38 नए मरीज मिले हैंगे और एक ही पुष्टि खुद बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज ने करी है। इन सभी मरीजों में से एक आदमी विदेश से लौट के आओ है और 3
बीएमसी में पढ़वे वारी मोनी हैंगी। आपको बता दें कि नए साल को पहला हफ्ता भी नहीं निकलो है और पिछले 6 दिनों में कोरोना के 76 केस इतने मिल चुके हैं। बीएमसी की वायरोलॉजी लैब से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आज 38 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव प्राप्त हुई है। बीएमसी के आइसोलेशन वार्ड में आज एक संदिग्ध मरीज इलाजरत है, जबकि हाई डिपेंडेंसी यूनिट में आज 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज इलाजरत हैं। आईसीयू में कोई भी मरीज इलाजरत नहीं है। बीएमसी में भर्ती किए गए मरीज की संख्या 1 है। बीएमसी से डिस्चार्ज किए गए मरीज की संख्या भी 1 है। बीएमसी की फ्लू ओपीडी में देखे गए संदिग्ध मरीजों की संख्या आज 114 है। आप सभी से निवेदन है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि कोरोना के मरीजों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, कृपया कर वैक्सीन लगवा लें। चलो अब बात करते हैं बंडा की। इतने के घोघरा गांव में एक शिक्षक शराब के नशा में स्कूल पढ़ावे पहुंच गयो। कछु जनों ने शिक्षक को वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पे वायरल कर दो। बताओ जा रहा है कि आरोपी शिक्षक रोज स्कूल में ऐसे ही नशा की हालत में पहुंचा है। अब वीडियो सामने आवे के बाद जनपद शिक्षा केंद्र के अधिकारी को कहवो है कि आरोपी को मेडिकल कराओ गयो है, जल्द ही ओके ऊपर कार्रवाई करी जाए है। देखो जो वीडियो। और आप शराब पी के रोज आते? हाँ, डेली रोज आते हो? हाँ, लिखो। चलो ठीक है, रोज आते हो। आप स्कूल के प्रभारी हो, कहाँ हो बोलो। तो यार प्रभारी भी तो सौंप जाओ, का जमाने को सांप सौंप जाओ यार। नहीं तो सांप नहीं, शराब पी के आप स्कूल में नहीं, तो आप शराब पी के रोज आ रहा है स्कूल है? अरे यार रोज आ रहा है। कि मैंने कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद अपने मीडिया कर्मियों को बताया था कि मेरी पहली प्राथमिकता में रहेगा कि जो भी शिक्षक मद्यपान करते हुए शाला परिसर में आते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे ही निर्देश हमने अपने जनशिक्षकों को दिए थे, शाला परिसर में जो मद्यपान करते हैं ऐसे शिक्षकों का चिन्हांकन करके उनका वीडियो बनाएं। और अभी जैसा कि जो आज उसके तारतम्य में घोघरा में ये जो केस सामने आया है, उसमें हमारे एक शिक्षक साथी हैं जो मद्यपान करते हुए शाला में बैठे हुए हैं, तो उसकी जांच कराई है, उनका प्रतिवेदन बनाया गया है और निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। तो भैया हरो हमाओ बुंदेलखंड में आज के लाने बस इतना ही। कल फिर से जय टाइम पे आपसे मुलाकात हुई है ऐसे ही बुंदेली खबरों के संगे। दियो इजाजत, राम राम।